नमस्ते बच्चों, देखो आज अपन बात करने वाले हैं अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति की, डेरिवेशन की। ये जो टॉपिक है अपना अणुगति समीकरण का डेरिवेशन, ये बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर गैसीय अवस्था फिजिकल केमिस्ट्री अपने थर्ड पेपर होता है उसके अंदर अलग अलग विश्वविद्यालयों के अंदर ये यूनिट अलग अलग हो सकती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की बात करूँ मैं, तो वहाँ पर यूनिट नंबर सेकेंड होती है और वहाँ पर गैसीय अवस्था का काफ़ी बड़ा चैप्टर है होने में, तो पर ये एक अलग यूनिट होती है खुद में से। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अणुगति समीकरण की डेरिवेशन दीजिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा वो, 5 नंबर का पूछेगा या 3 नंबर का पूछेगा, जो भी है। और आप लोगों को मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है, उसके अंदर आप लोगों को मैंने अणुगति सिद्धांत के अभिग्रहितों के बारे में बात कर ली, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के जो पोस्टुलेट्स थे उनकी मैंने बात कर ली है। तो पोस्टुलेट्स के बाद अपना आप आज इस वीडियो में देखने वाले हैं अणुगति समीकरण की व्युत्पत्ति। बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं विशेष तौर पर, जिनको डेरिवेशन समझ में नहीं आती, उनके लिए विशेष तौर पर ये वीडियो मैंने बनाया है और उनका ध्यान में रखते हुए उनको अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी लोग जो बीएससी पास आउट कर चुके हैं, वो अपने छोटे बहन भाई हैं, उनको ये वीडियो दिखाएंगे तो काफ़ी कुछ उनको समझ में आएगा। तो अपन वीडियो को लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अणुगति सिद्धांत के, तो यहाँ पर डेरिवेशन की मैं बात करूँगा तो ये बोला जाता है अणुगति सिद्धांत के जो मुख्य अभिग्रहित है उनके आधार पर इसकी डेरिवेशन अपन देंगे। मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी समझा देता हूँ, थ्योरी में क्या पढ़ना है। थ्योरी में अपन को ये समझना था कि एक कंटेनर है, जो घन जैसा एक कंटेनर है, उसके अंदर अपन ने गैस के एन अणु भर दिए। इस तरह से कोई पात्र है, इसको अगर मैं बोलूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी ले लो, और यहाँ पर इसके अंदर गैस के अणुओं को भर देंगे अपन। मान लो इसके अंदर एन गैस के अणु मैंने भर दिए, और आप लोग को पता है क्यूब होता है, क्यूब के अंदर जो किनारे होते हैं इनके बीच की जो दूरी है, मैं मान रहा हूँ एल सेंटीमीटर। तो एल सेंटीमीटर क्यूब वाले या एल सेंटीमीटर दूरी वाली जो क्यूब है, इस कंटेनर की जो लेंथ है अपन बोलेंगे वो एल सेंटीमीटर है, और इसमें मैंने गैस के एन अणु भर दिए जिनका द्रव्यमान एम है। गैस के एन अणु भर दिए जिनका द्रव्यमान एम है। पात्र में जो भरी जो गैस है, इनकी वेलोसिटीज अलग अलग होती है, इनकी नेचर इलास्टिक नेचर होती है गैस के अणुओं की नेचर, इनके अंदर कोई रिपल्सन नहीं पाया जाता, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं पाया जाता, ये अपने पोस्टुलेट्स के अंदर बात कर ली। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ गैसों के अणुगति सिद्धांत की व्युत्पत्ति की या समीकरण की व्युत्पत्ति की। तो मैं यहाँ पर थ्योरी है वो भी साथ के साथ लिखवाता चलता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। घनाकार घन पात्र में गैस के एन अणु भरे हुए हैं, गैस के एन अणु भरे हुए हैं जिनका द्रव्यमान स्मॉल एम है, जिनका द्रव्यमान स्मॉल एम है। पात्र में गैस के एन अणु भरे हुए हैं, अपन बोले प्रत्येक गैस का जो अणु है उसके द्रव्यमान की बात करूँ, क्योंकि एन अणु भर दिया ना, यहाँ पर अपन बोले प्रत्येक गैस का द्रव्यमान, प्रत्येक गैस के अणु का द्रव्यमान। यहाँ पर मैंने लिखा है एल सेंटीमीटर घन घनाकार पात्र में गैस के एन अणु भरे हुए हैं और प्रत्येक गैस के अणु का द्रव्यमान एम है, ये मैंने बात कर ली। मैं अब ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, पात्र में भरी जो गैस है जिनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या अपन बोल सकते हैं वर्ग माध्य मूल वेग सी है। पात्र में जो गैस के एन अणु भरे हुए हैं उनमें से सभी अणुओं के लिए मैं बोल रहा हूँ, पात्र में भरे हुए गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सी है। ठीक है, अब यहां पर देखो मैंने दो बातें लिखी कि एल एन सेंटीमीटर घनाकार पात्र में गैस के एन अणु भरे हुए हैं और प्रत्येक गैस के अणु का द्रव्यमान एम है, और पात्र में भरे हुए जितने भी जो अणु हैं या गैस के अणु हैं, पात्र में भरे हुए गैस के अणुओं का जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो सी है। ये बात आप लोगों को समझनी और मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आई होगी इस चीज़ को समझने में। अपन को अब करना क्या है कि इस चित्र को आप लोग देखो, इसके अंदर बहुत सारे गैस के अणु भरे हुए हैं, तो अपन को ऐसे तो समझ में आएगी नहीं थ्योरी, थ्योरी को समझने के लिए अपन किसी गैस के एक अणु पर कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बात लिखना चाह रहा हूँ, उपरोक्त चित्र के अनुसार, उपरोक्त चित्र के अनुसार, उपरोक्त चित्र के अनुसार किसी एक अणु पर ध्यान केंद्रित करने पर, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि यहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स है, गैस के मॉलिक्यूल्स है, उनकी जो वेलोसिटी है, वेग, उस अणु का जो वेग है, मान लो एक अणु ये है, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लें, और इसके अंदर इसकी वेलोसिटी को अपन बोल सकते हैं कि गैस का जो पार्टिकल्स है वो इधर भी माइग्रेट कर सकता है, ऊपर भी नीचे भी, किधर भी माइग्रेट कर सकता है। तो अपन बोल सकते हैं गैस के अणुओं का जो वेग है, वेलोसिटी है, उसको तीन लंबवत घटकों में अपन बांट सकते हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या जेड एक्सिस में। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बात लिखवा देता हूँ कि जो अणु का वेग है उसके तीन लंबवत घटक हो गए एक्स, वाई और जेड। ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन, और ये जेड डायरेक्शन। मतलब ये इधर भी जा सकता है, एक्स वाई जेड, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो जो इसका वेग था, उस वेग को अपन ने तीन लंबवत घटकों में, एक्स वाई और जेड में बांट दिया। अब जो जैसे एक्स वेग है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई वेग है वाई के पैरेलल है, और जेड वेग है वो जेड के पैरेलल होगा। ठीक है, क्यों बांटा है मैंने, क्योंकि एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, और जेड में भी जा सकता है, और तीनों के तीनों जो वेग है, जैसे एक्स कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई वाला वाई के पैरेलल, और जेड वाली जेड के पैरेलल होगी। तो यहां पर ये मैं बात लिख देता हूं, केंद्रित करने पर अणु के वेग को तीन लंबवत घटकों, अणु के वेग को तीन लंबवत घटकों एक्स वाई तथा जेड में, एक्स वाई तथा जेड में बांटा गया है, जो कि एक्स एक्स के पैरेलल है, वाई वाई के पैरेलल, और जेड जेड के पैरेलल, जो कि क्रमशः रेस्पेक्टिवली एक्स वाई तथा जेड अक्षों के समानांतर है। एक्स वाई और जेड के यहाँ ये पैरेलल होगा, समानांतर है। अब यहाँ पर अपन को एक बात समझनी है कि एक्स, एक तो जो वेलोसिटी है सी है, और इसका जो एक्स वाई और जेड कंपोनेंट की जो वेलोसिटी है, इसके अंदर एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेग सी, पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, वेग सी तथा घटक वेग, कंपोनेंट वेलोसिटी कौन कौन सी है, घटक वेग या घटक वेगों में निम्न संबंध होता है, और ये रिलेशन आप लोगों को याद करना, आगे भी काम आएगा, निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है, सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके अंदर ये रिलेशन होता है, और रिलेशन अपन को याद रखना है। अब देखो आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो अणु है, यहां पर ये जो अणु है, वेग घटक x के द्वारा सामने वाली इस दीवार से टकरा सकता है, और इससे टकरा सकता है, y से ऊपर और नीचे, और z एक्सिस है, वैसे इसको जैसे आमने सामने की जो दीवार है उनसे ये टकरा सकता है। तो मैं यहां पर बात करने वाला हूं अणु का जो वेग घटक x है, वह यहां पर मान लो इसको m दीवार बोल दो और इसको n दीवार बोल दो, अणु का जो वेग घटक x है उसके द्वारा पात्र की एम और एन दीवार से टकरा सकता है, क्योंकि आगे जा सकता है और पीछे जा सकता है। अपन ने एक पोस्टुलेट्स की बात कर रहा था, पोस्टुलेट में हमने बताया था कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में माइग्रेशन करते हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर गति करते हैं, और टकराने के बाद में दीवार, कंटेनर की दीवार से टकरा सकता है, या आपस में म्यूचुअल कोलिजन होगी तो वो आपस में टकराने के बाद अपना पाथ चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर ये इससे टकराएगा, इसके टकराने के बाद वापस आ जाएगा इससे। तो अपने यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं, और इसकी जो वेलोसिटी की दिशा होगी दीवार M की ओर है, तो अपन यहाँ पर ये बात भी लिख देते हैं, अणु
वेग घटक x के द्वारा, अणु वेग घटक x के द्वारा पात्र की केवल द्वारा पात्र की केवल m तथा n दीवार से m तथा n दीवार से टकरा सकता है, m तथा n दीवार से टकरा सकता है, क्योंकि आगे की साइड m और पीछे की साइड n है, तो m और n से टकरा सकता है। और मैं बोल रहा हूँ कि माना कि वेग की दिशा दीवार m की ओर है, तो यहाँ पर यह भी लिख देते हैं, माना कि वेग की दिशा दीवार m की ओर है, माना कि वेग की दिशा दीवार m की ओर है। ये बात भी आप लोगों के जहां तक है समझ में आ रही होगी, दीवार m की ओर है। अब आगे मैं बोल रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल्स है जब माइग्रेट करता है, टकराता है या चलता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मोमेंटम पाया जाता है। मोमेंटम आप लोग जानते हैं, संवेग, m और v को अपन संवेग बोलते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं, संवेग इक्वल टू क्या होता है, एम वी, आप लोगों ने पढ़ा होगा वेलोसिटी। तो यहाँ पर m तो क्या अणुगा द्रव्यमान हो गया और v वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पर अपना जो कोई भी गैस का पार्टिकल्स है उसके लिए जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, m और v, और v क्या अपना वेलोसिटी, और वेलोसिटी यहाँ क्या है, x वेग घटक है ना, x वेग घटक x के द्वारा। तो संवेग क्या होगा, एक तो टकराने से पहले और एक टकराने के बाद। अपन को पता है कि जो संवेग होता है एक क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, और वो जैसे ही टकराएगी, टकराने के बाद में वो अपनी दिशा चेंज कर लेगी। आप लोगों को पता है ना गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर प्रत्यास्थ टक्कर होती है, और प्रत्यास्थ टक्कर का मतलब होता है कोई पार्टिकल्स टकराने के बाद वापस अपनी डायरेक्शन चेंज करके लौट आता है। जैसे बैट क्रिकेट में अपन गेंद बल्ले से लगती है तो वापस आ जाती है, तो उस तरह की जो कोलिजन होती है उसको इलास्टिक कोलिजन या प्रत्यास्थ टक्कर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि दीवार पर टकराने से पहले और टकराने के बाद उस अणु का जो मोमेंटम है वो क्या होगा। तो अपन बोलेंगे एम दीवार से टकराने से पूर्व, एम दीवार से टकराने से पूर्व अणु का संवेग क्या होगा, एम एक्स, एम एक्स है। अब टकराने के बाद क्या होगा, देखो वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, और डायरेक्शन चेंज करेगा तो जो मोमेंटम है उसके अंदर भी साइन चेंज हो जाएगा। तो अपन बोलेंगे दीवार से टकराने से पूर्व अणु का संवेग एम एक्स है, तथा दीवार से टकराने के बाद उसका मोमेंटम चेंज होगा, दीवार से टकराने के बाद अणु का संवेग क्या होगा, माइनस एम एक्स होगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो टक्कर है वो इलास्टिक है, क्योंकि टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती है। आप लोग यहां से इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे मैं चीजें ऊपर लिखने वाला हूं। एक लाइन और आ जाएगी अभी तक मेरे हिसाब से, या नहीं आएगी अपन ऊपर ही लिख लेते हैं चीजों को, ठीक है। अपन बोलेंगे अब एक टक्कर के बाद संवेग में जो परिवर्तन हुआ वो क्या होगा, क्योंकि टक्कर क्या हुआ, एक्स यहाँ गैस का जो अणु था एक्स वेग घटक से एम से टकराया, टकराने के बाद एन से टकराया, तो पूरी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद संवेग में जो परिवर्तन हुआ उसकी बात करेंगे, तो मैं यहाँ लिख दूंगा अतः एक टक्कर के बाद संवेग में परिवर्तन कितना होगा। आप लोगों को पता है ना संवेग में जो चेंज कैसे करते हैं, इनिशियली माइनस फाइनल, अतः एक टक्कर के बाद संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में जो परिवर्तन है वो क्या होगा, देखो
इनिशियली कितना था mx, प्रारंभिक टकराने से पहले माइनस, फाइनल कितना था माइनस mx, और इन दोनों को जोड़ने के बाद इसका संवेग आ जाएगा 2mx। मेरे हिसाब से दिख रहा होगा g इसके साथ नहीं है, ये g यहाँ पे है। तो एक टक्कर के बाद संवेग में परिवर्तन कितना हो गया 2mx, mx माइनस और माइनस प्लस हो गया। बायो वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो मैंने वो चीज़ें क्लियर कर दी। अब कोई भी बात अगर समझ में नहीं है तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर मुझसे पूछ सकते हो। अब अपन को पता है कि पात्र की m और n दीवारों के बीच की दूरी कितनी है, l सेंटीमीटर, ये मैंने क्लियर लिख रखा है। तो अपन को पता है कि यहाँ पर m और n से जब टकराएगा तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स वो l सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, और l सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा तो अपन को ये कैलकुलेट करना है कि एक सेकेंड में कितनी टक्करें हो जाएगी, क्योंकि एक सेकेंड में होने वाली टक्करों या टक्कर अपन पता चल जाएगी, टक्करों की संख्या अपन को पता चल जाएगी। तो अपन ये पता कर सकते हैं एक सेकेंड के अंदर होने वाली टक्करों से संवेग में जो परिवर्तन होता है वो कितना होता है। लिए मेरे लिए भी चाहिए तो अब अपने यहाँ पर लिख देंगे, तो क्लियर लिखा हुआ, फिर भी मैं लिख देता हूँ। पात्र की एम तथा एन दीवारों के मध्य, एन दीवारों के मध्य एल सेंटीमीटर की दूरी है, दूरी एल सेंटीमीटर है, अतः एन तथा एम, अतः एन दीवार से टकराने के लिए एल सेंटीमीटर दूरी तय करता है, टकराने के लिए अणु एल सेंटीमीटर दूरी तय करता है। ये मैंने बात लिख दी, पात्र की एम और एन दीवारों के मध्य दूरी कितनी है एल सेंटीमीटर, अतः एन दीवार से टकराने के लिए अणु को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, एल सेंटीमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। अब अपन को कैलकुलेट ये करना है कि एक सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों ने टाइम डिस्टेंस पढ़ा होगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले सवाल पढ़े होंगे आराम से। तो यहाँ पर अपन को कैलकुलेट करना है एक सेकंड में होने वाले होने वाली टक्करों की संख्या, टक्करों की संख्या। तो देखो भाई ये होगी x अपॉन l। अब ये कैसे आया x अपॉन l, थोड़ा सा मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे दिमाग में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये क्या हुआ कैसे आया। अपन को पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, चाल यहाँ पर अपनी वेलोसिटी है, दूरी कितनी थी l सेंटीमीटर और वेलोसिटी कितनी x। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा एल एक्स, पर मैं बोल रहा हूँ कि एक सेकंड में समय कितना अपना एक सेकंड, तो एक सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या के लिए अपन को क्या करेगा, एल एक्स का भाग किसमें देते हैं वन के अंदर, एल अपॉन एक्स। तो ये ऊपर चला गया एक्स, तो हुआ क्या एक्स अपॉन एल। तो यहाँ पर अपन को ये पता चल गया एक सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या कितनी है एक्स अपॉन एल। आई होप समझ में आई होगी चीज़ें, नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट्स करके मेरे को पूछना, जिससे मैं आप लोगों को दोबारा क्लियर कर सकूं। मैथ वाले बच्चे समझ जाएंगे, फिर भी बायो वालों को थोड़ी सी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कोशिश की समझाने की कि यहाँ पर अपन बोल रहे हैं कि एक सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या कितनी है एक्स अपॉन एल, आपको रटना नहीं पड़े तो याद रख लेना एक सेकंड में होने वाले टक्करों की संख्या कितनी है एक्स अपॉन एल। अपन अब बात करने वाले हैं प्रति सेकंड संवेग में कितना परिवर्तन होगा। यहाँ पे ऊपर अपन ने लिख ही दिया कि एक टक्कर के बाद संवेग में परिवर्तन कितना है टोटल 2mx। तो यहाँ अपन लिख दें चूंकि एक टक्कर में होने वाला संवेग परिवर्तन mx है, तो यहां पर अपन को पता क्या करना है प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन कितना, अतः प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन, तो ये हो गया 2mx गुणा x अपॉन l।
प्रति सेकंड, एक सेकंड के अंदर कितनी टक्कर होती है x अपॉन l, और एक टक्कर में होने वाला सबिंग में परिवर्तन क्या 2mx, तो ये हो गया अपना 2mx स्क्वायर अपॉन l। ये अब यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया है 2mx स्क्वायर अपॉन l, ये जो कण था उस कण के अंदर ओनली मैंने कौन सा घटक वेग लिया है, x घटक वेग। इसी प्रकार यही जो कण है जिस कण को मैंने एक अणु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बोला था, इस कण के लिए y घटक के लिए भी देखें और z घटक के लिए भी देखें, क्योंकि एक अणु x एक्सिस में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है, z में भी जा सकता है, तो होने वाली टक्करों की संख्या x y z तीनों की तीनों आएगी नहीं आएगी, कैलकुलेट तो अपन को सारी करना पड़ेगा। तो अपन बोल सकते हैं कि इस प्रकार ये जो कण है y और z घटकों के लिए भी, यहाँ पर अगर y के लिए निकालेंगे तो 2my स्क्वायर अपॉन l हो जाएगा, z के लिए निकालेंगे तो 2mz स्क्वायर अपॉन l हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं कि इस प्रकार इस कण के y तथा z वेग घटकों के लिए इस कण के y तथा z वेग घटक इस कण के y तथा z वेग घटक x तथा सॉरी इस कण के y तथा z वेग घटकों के लिए प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन क्रमशः क्या होगा, जैसे y और z के लिए अपन बोलेंगे क्रमशः 2my स्क्वायर अपॉन l तथा टू एम जेड स्क्वायर अपॉन l, ये हो गया सर। अब अपन लिख सकते हैं इस प्रकार जो एक अणु है उसके लिए टोटल परिवर्तन कितना हुआ, इस प्रकार एक अणु के लिए प्रति सेकंड संवेग में कुल परिवर्तन, इस प्रकार एक अणु के लिए प्रति सेकंड में संवेग में कुल परिवर्तन। अब आप लोगों को बड़ा जरूर लग रहा होगा ये, पर एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप लोग इसको छोटा अपने हिसाब से कर सकते हो। संवेग में कुल परिवर्तन तो ये कितना हो गया 2mx स्क्वायर अपॉन l, 2my स्क्वायर अपॉन l, 2mz स्क्वायर अपॉन l, ये हो गया। यहां पर अब देखो आगे क्या है, इस इक्वेशन के अंदर अपन 2m कॉमन ले लें, 2m अपॉन l, तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जेड में बार बार छोटा लिख रहा हूँ तो ये इस तरह से लिखा हुआ रहा है मेरे से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वीडियो काफी लंबा हो गया, अब देखो यहाँ पे 2m अपॉन l कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ये जो घटक वेग और इनके अंदर एक संबंध देखा था अपन ने, संबंध क्या था अपना सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इन तीनों की जगह अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर सी स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर की साइड, तो इसको एक बार देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं टू एम सी स्क्वायर अपॉन एल, मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कैसे लिखा मैंने 2 एम सी स्क्वायर एल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया सी स्क्वायर, तो ये इसको अपन ने लिख दिया 2 एम सी स्क्वायर। अब ये तो बात की एक अणु के लिए, तो पात्र में कितने अणु भरे थे अपन ने एन अणु, तो अपन बोल सकते हैं अतः एन अणुओं के लिए, पहले एक अणु के लिए निकाला अब एन अणु के लिए निकालेंगे, अतः एन अणुओं के लिए प्रति सेकंड संवेग में परिवर्तन
कुल परिवर्तन कितना होगा, सिर्फ एन से मल्टीप्लाई करना है, कुल परिवर्तन कितना हो गया, टू एम एन सी स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा मैं एक नियम की बात करने वाला हूँ, गति के द्वितीय नियम की। आप लोगों ने गति के नियम पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हो तो अपन को भी ये याद कर लेना। गति का जो द्वितीय नियम है वह ये बोलता है संवेग में जो कुल परिवर्तन होता है, संवेग में होने वाला जो परिवर्तन होता है, किसी भी अणु के संवेग में जो परिवर्तन होता है वो उसके आरोपित बल के बराबर होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, मैं ये बात यहाँ लिख दूंगा, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे। गति के द्वितीय नियम के अनुसार गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन आरोपित बल के बराबर होता है। आप लोगों ने पढ़ाया होगा ना, बल दाब क्षेत्रफल आरोपित बल के बराबर होता है। तो अपना संवेग में परिवर्तन हुआ तो वो कितना, 2mn स्क्वायर अपॉन l, तो ये अपना आरोपित बल हो गया एक तरह से देखा जाए तो अपन बोल सकते हैं। अतः आरोपित बल क्या होगा, अपना आरोपित बल बराबर 2mn स्क्वायर अपॉन l। गति के द्वितीय नियम के अनुसार बोला संवेग में परिवर्तन जो होता है वो आरोपित बल के बराबर होता है, और आरोपित बल अपन ने निकाल लिया। यहाँ पर अपन ने देखा ये n अणुओं के अंदर प्रति सेकंड में संवेग में जो परिवर्तन होता है वो कितना है, 2mn स्क्वायर अपॉन l। अब अपन को ये पता है आरोपित बल क्या होगा, 2mn l। ये भी आप लोगों को पता है कि जो आरोपित बल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। जैसे ये कोई क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल पर मैं अगर फोर्स लगाऊंगा तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, दाब। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, चूंकि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, चूंकि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। मेरे हिसाब से अगर आप वीडियो को शुरू से देखोगे तो दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अतः पी दाब, और दाब को क्या बोल सकते हैं, बल बटे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका आएगा, घनाकृतिक पात्र का, और घन का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो भैया लिख लो, घन की 6 दीवारों का क्षेत्रफल, 6 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी होती है l, तो 6l स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अपन लिख सकते हैं बल कितना, 2mn स्क्वायर अपॉन l, और क्षेत्रफल क्या है, 6l स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 2mn स्क्वायर अपॉन, या l नीचे आ जाएगा, 6l क्यूब। ये बात समझ में आई होगी आप लोगों के, और यहाँ पर यह भी समझ में आ रहा होगा एल क्यूब को क्या बोला जाता है, आयतन, और आयतन को क्या बोलते हो, वी, जानते हो ना एल क्यूब क्या होता है, आयतन, विमा जानते हो ना, आयतन की विमा, एल क्यूब भी तो होती है लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो एल क्यूब को आयतन लिख सकते हैं। तो इसको अपन इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, 2mn स्क्वायर अपॉन 6v, 2 से ये कट गया 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 mn स्क्वायर अपॉन वी। मेरे हिसाब से ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आप लोगों के। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, अगर नहीं आ रहा हो समझ में, तो 2mn स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ 2 से 6 को काट दिया मैंने, 2×2 = 6, तो 1/3 mn स्क्वायर अपॉन वी हो गया। ये अपन बोल सकते हैं, p बराबर चल रहा है ना अपना, तो यहाँ पर अब इसको मैं थोड़ा ऊपर ही लिख दूँ क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा आप लोगों को, तो इसको क्या लिख सकते हैं, pv, ये v, ये जो v है ये वाला, ये इधर की साइड आ जाएगा ऊपर की साइड, तो क्या आएगा pv, और ये क्या हुआ 1/3 mn स्क्वायर। ये जो समीकरण है यही अपना अणुगति समीकरण कहलाता है।
ये जो समीकरण है, इस समीकरण को अपन क्या बोलते हैं, अणुगति समीकरण। तो चीज़ें समझ में आई होगी आप लोगों को, मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की कि अणुगति समीकरण क्या होता है, इसकी डेरिवेशन क्या है। फिर भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियो समझ में आए तो आप लोग इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बाकी अपने जो मिलने वाले फ्रेंड्स हैं उनको भी बताओ, जिससे उनका भी कोर्स कवर हो सके और नंबर अच्छे आ सके। आप लोगों को कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सेकंड ईयर के वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ कंटिन्यू। थैंक यू।